एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही खतरनाक। तो अभी हम निकल रहे हैं सूरत के लिए। ओम ना 6:30 बजे से उठ गया और ओम से रहा नहीं जा रहा है, और शिव से भी नहीं रहा जा रहा है। शिव को लगा कि सब जा रहे हैं जल्दी। ओके, चीजें कर ले हो ठीक। अभी ना कुछ नहीं करना, आज जाना है बस जल्दी जल्दी। अभी आज बहुत लंबी ट्रिप है, 11-12 घंटे की, तो तुम कोई ना हो जाएगा। ध्यान रखियो ये वाला वाला पे। दादो है जे वो सब जे निकल रहे हैं। भाई ना ध्यान रखियो भाई। बाय वाली, बाय वस्ता, बाय बाय सब गायों को, बाय घर को, बाय बाय। अभी आ रहे हैं दो दिन में। एक नॉक लगे लगे बाय क्यों नहीं चोवे बाय किए बिल कर चोवे बाय 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 के दे बाय के दे ठीक जे आते हम जे कर ले आना कर ही नहीं रे वाले बात। तो अभी हम निकले बुआ के गांव से आगे, शांतिपुर के घर से आगे, और अभी यहाँ से हाईवे आ गया है। अभी आज का सफर बहुत लंबा है हमारा, पहुँचना है सूरत तो 11-12 घंटे लगेंगे। शिव अभी उठो है और आधा बाहर निकल गया गाड़ी से। शिव अभी अंदर आ जाओ। शिव है क्या है शिव? सिहोरनी ते तो लिदेल खुमान लाद हो के सिहोरनी माते त्रटकिन महाराज वजय सिंह ने निदर हराम करवा वालो आज गोरखानी पलटन थी भागे हरा खुमान देव बाप 500 गोरखाने ढाले ने भावनगर नी फौज नी हामे अबिल गुलाले रमी अने जो फुलधारे उतरे होय तो एनी माहे आहुड़ा नो पाड़वा ना होय, एनी माहे भोग नो करवा ना होय। धर्म करवा माटे बैठो होय आना थी दुश्मन नी खानदान नी दुनिया मा तुमने जोवा के मलशे। जंगल मार खरू ओ तो पखे मारे ऊंचो आप जगे अन धर मिथी पावर ना धनी कचेरी भरे बैठला दरबार ना खाड़ा मा जई। पेट्रोल ब्रेक आया है हमारे यहां पे। अभी पेट्रोल डीजल डाल रहे, डीजल। हाँ डमरू सभी जगह बचता रहेगा अब सूरत तक। ओम भाई का ओम ओम लेट्स गो ओम लेट्स गो। 3 रुपए अंबानी ऐसे पहले पेट्रोल ही बेचते थे, डीजल पेट्रोल, पेट्रोल पंप पे काम करते थे दुबई में शायद। उनको पहले तो वही था ना, हाँ। गांव में भी कुछ नहीं था उनके पास पहले, आया था मूवी वगैरह। उससे पहले शायद टेक्सटाइल बिजनेस में उन्होंने स्टार्ट किया था मुंबई में। पेट्रोल पंप पे बच्चा फ्री मिल रहा है लेने किसी को, ये डमरू वाला बच्चा। उसको जाना है बाहर, नीचे नहीं उतरना, उसको नीचे नहीं उतरना अभी, नीचे मतलब गाड़ी में नहीं आना। गाड़ी में तुमको जाना होता है रोज, आज तुम 10-12 घंटे बैठो गाड़ी। कहाँ पड़ियो? ठाकानो वेट लूं। ठाकान मोरोस पड़ियो है कहीं ना कहीं। है वहाँ पड़ियो? Oh my God, यहाँ पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये जो टैंक होता है वो निकल के यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसका ऊपर का भाग कहीं और है। आज ना ये दूसरा एक्सीडेंट दिखा हमने, हमको रास्ते में ना एक, ये बहुत ही खतरनाक हुआ। ये टूट गया पूरी तरह से टैंकर, तो ये गाड़ी के साथ हुआ। इस गाड़ी का देखो, आई थिंक ये गाड़ी का ड्राइवर का तो बेचारे का मुझे नहीं लग रहा बचा होगा। ये तो रात का शायद हुआ होगा, लेकिन जो अभी हुआ आगे था एक एक्सीडेंट, दो गाड़ियों का, वो तो अभी हुआ हुआ था। वहाँ पे बस एम्बुलेंस आ रहा, बहुत ही खराब एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही खतरनाक। गाड़ी का ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है सामने वो पूरा क्लियर हो गया है, ये टैंकर के सामने मार दिया, ये टैंकर को उल्टा कर दिया। पता नहीं ये किस तरह से हुआ है, किधर से कौन जा रहा था वो तो नहीं पता चल रहा। यहाँ पे पुलिस लोग भी हैं, लेकिन रोड पे चलते समय
सावधानी से चलना चाहिए क्योंकि ये ऐसे एक्सीडेंट रोज देखने को मिलते हैं हाईवे पे। इसको पूरा पलटी कर दिया है वो है या दूसरा है पता नहीं, वो ही लग रहा है, नहीं ये नहीं पता चल सकता ना। ये पूरा टैंकर पलटी खा गया यहाँ पे। ये गाड़ी अभी इसमें से शायद पता नहीं, ये लोग तो बचे नहीं होंगे, इस तरह से एक्सीडेंट हुआ। इसका आगे के पार्ट में कुछ नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है ये गाड़ी में जो भी होगा निकल गया ना तो पीछे टूट गया। हाँ में लगाया मुझे तो लगता है कि ये इस साइड आ गया पूरा और वो पूरा सब कुछ दूसरी साइड में। दुश्मन होए तो आवाज जो माव कर मदद करूं करे अबे जाई मारवटे जे एना छुरू ने चढ़ दे थोड़ा ना पादर थी सिवर ना पादर होती मारी होडली मा खेलवी ने ना ओडिया मा हाथ पेलिन जे कोरडा ने मे रमाई लेतो ई भावनगर महाराजा वजे सी ने कोर दाद भाई ना से कुआ वा ने से रास्ते में से लेके जा रहे हैं। सिर तुमको क्या खाना है? हां ओके अभी खाने का हमारा ब्रेक आ रहा है। ओके सिर्फ ना नीचे उतर के भागना है जल्दी क्योंकि वो कब से नहीं चला, उसको लग रहा है कि वो कितनी देर से नहीं चला, देखो भाग रहा है। जब भी बाहर जाते हैं हमारी ब्रेक यहाँ पे होती है लिमडी HFM। थोड़ा सा नाश्ता करके खाना खाने के बाद फिर निकलते हैं थोड़ा सा ओके। मत जाने दो ना फिर। सेव को क्या खाना है समझ में नहीं आ रहा, आज कुछ नहीं खाना है सेव का। ठंडा लग रहा है, रुको अभी हमने बर्गर खा लिया और अभी हम निकलने वाले यहाँ से सीधा सूरत। रास्ते में स्टॉप आएगा लेकिन अभी खाने का नहीं आएगा। सेव अभी कपड़े चेंज करने पड़ेंगे पूरे। हाँ भाई को जाके बोलो वो तुम्हारा ही है लेकिन उस साइड मत उड़ाओ। तो यहाँ से अभी रास्ता भी अच्छा आ जाएगा। अभी हम लिमड़ी से आगे है ना, लिमड़ी पहुँचने वाले अभी और हमारा रास्ता सूरत तक ये ऐसा पूरा लिमड़ी। ओके तो हम लोगों ने पान खाया यहाँ पे, अच्छा था, टूटी वाला गुलकंद वाला स्वीट पान खाया और सीव अभी सो जाएगा 2 घंटे के लिए सो। किलोमीटर से आ रहे एक ही टाइप का खेती हो रही है यहाँ पे। तो रामदेव बोल रहा है कि शायद ये तंबाकू की खेती हो रही है, तंबाकू की खेती है पता नहीं ऐसा ही दिख रहा है। यस इसमें तंबाकू यहाँ पे हुई है बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेकिन ट्रैफिक का कारण नहीं हमें मिल रहा है कि क्या है, पुलिस चेकिंग है या क्या। ओके ओवरलोडिंग में ये बोलेरो वहाँ से गिर गया था तो फिर दूसरे में भर रहे, उसमें ग्रास वो भर के जा रहे हैं ना, चारा है, चारा है उसमें कुछ वो गिर गया नीचे उसके गड्ढे होते, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई है। ये बंद हो गई है, ये फंस गई है। ओ एक्सीडेंट एक और नहीं, ये चेंज कर रही है।
माय गॉड, बुरी तरह इसने फाटक में ठोक दी और दूसरी में एक्सचेंज कर रहे था। ये सही, आज हमें तीसरा एक्सीडेंट देखने को मिला, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट ये। इसका भी, इसका पूरा ड्राइवर का पता नहीं, जो बॉडी होती है ना जहाँ ड्राइवर बैठता है वो पूरा ऐसे चिपक गया। और यहाँ भी हुआ, ये भी एक्सीडेंट का ही है। हाँ, ये उसी का है सब कुछ। और ये अभी क्लियर कर रहे हैं, मतलब पूरा हाईवे इतनी ट्रैफिक हुई और 5 मिनट लेट हुआ। लेकिन तीसरा एक्सीडेंट है आज के दिन का, अभी यहाँ तक का, अभी यहाँ से 150 किलोमीटर आगे है। और दो ट्रकों का, ट्रक इतने सारे ड्राइवर्स होते पूरा चलाते, ऑलवेज बोलते कि जो ट्रक वाले ड्राइवर होते हैं ना, बहुत लॉन्ग ड्राइव करके जाते, तो फिर क्या होता है, नींद, थकान, भूख, इसकी वजह से नींद लग जाती है कभी कभी। और बहुत सारे मेरे दोस्त भी है ड्राइवर, हमारे गाँव से भी कुछ लड़के जाते हैं ट्रक चलाने, तो इतनी लंबी रूल्स भी नहीं है, इतनी लंबी ड्राइविंग करनी भी नहीं चाहिए, खास करके सिंगल ड्राइवर को या तो डबल ड्राइवर को, क्योंकि इन लोगों क्या होता है कि तीन तीन दिन, चार चार दिन, पांच पांच दिन कंटिन्यू ट्रक चलाते रहते चलाते रहते, इसमें क्या होता है कि फिर एक्सीडेंट हो जाता है। आई थिंक अभी ऐसा कुछ ऐसा है, अभी नहीं, अभी तो वो ड्राइवरों के खिलाफ आया था कि ड्राइवर को, मतलब किसी से भी ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का तो उसको जुर्माना वो वगैरह था, तो फिर उन्होंने वो हड़ताल पे गए थे और वापस भी ले लिया डिसीजन गवर्नमेंट। ज्यादा ये ट्रक के थे, उसके तो ड्राइवर की मुझे नहीं लगता है जान बची होगी, क्योंकि बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। रूल नहीं, ऐसा कुछ सुविधाएं कर रही है कि हाईवे पे ड्राइवर्स के लिए रेस्ट करने के लिए रूम जैसा बनाया जाए। वो तो होता ही है, जैसे फॉरेन में है, इंग्लैंड में है, तो 2.5 घंटा ही ड्राइव करनी है, उसके बाद कंपलसरी आपको 1/2 आवर ब्रेक करनी है, तो वही रूल होते हैं सभी जगह। और इसमें ना स्पोर्ट्स बाइक बहुत जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक होती है, तो ये कहीं से भी इधर उधर होके निकल चुके हैं। और वो कमेंट में जरूर बताना, जो वहाँ पे जो क्रॉप लगाया हुआ था, जो खेती की हुई थी, वो किस चीज की खेती थी। पीपल अच्छे स्पोर्ट बाइक बाइक गाड़ी सीधी नहीं जा रही है, ये गाड़ी सीधी जा रही है, लेकिन बॉक्स बहुत ही वाइड है। गाड़ी से भी बहुत ज्यादा नहीं भरना चाहिए। और अभी ट्रैफिक है थोड़ी सी यहाँ पे, सूरत में आते तब ट्रैफिक तो होती है ये रास्ते में। तो अभी हम आ गए हैं सूरत में और बस अभी होटल पहुँचने वाले है, थोड़ा सा बैठ बैठ के थक गया है, ओम भी थक गया है, तो अभी होटल में जाके फिर धूम मचाएंगे दोनों। क्यों इतना शोर किया है? दोनों बच्चे थक गए हैं, दोनों बच्चे के माँ और बाप भी थक गए हैं, तो अभी होटल में जाके फ्रेश हो जाता हूँ। मैं भी वैसे तो नहीं थकी हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन इतना नहीं कि हम थक गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी घर से फ्रेश आ रहे, यहाँ पे एक दिन रुकेंगे ना तो थक जाएंगे, इतने लोगों को देख के मैं थक जाता हूँ। अभी बस आ गया होटल। ओए, हम कम शिव को नॉन स्टॉप कर रहे, कुछ भी कर रहे, गाड़ी में बैठ बैठ के थक गया। हाँ चलो, ये जंपिंग जंपिंग जंपिंग। तो अभी हम आ गए हमारे बेडरूम में, बहुत थक चुके हैं, अभी फ्रेश हो जाते हैं और फिर आपको मिलते हैं सूरत में। जैसे एंटर हुए हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए थे ऑलरेडी, तो अभी क्या है 11-12 घंटे की पूरी ड्राइव होती है ना, तो हमसे ज्यादा बच्चे थक जाते हैं, तो ठीक है हम गिरे मत भाई, ठीक है ओके चले भाई, नीचे जाने अभी सो जाइए। क्या हुआ वहाँ पे चले, ओके जाओ यहाँ से ट्रेन से, ओके रिमोट चाहिए भाई को, रिमोट चाहिए, हम रिमोट चाहिए, थैंक यू थैंक यू भाई थैंक यू। तो अभी खाना खाने जाएंगे, फिर देखते हैं, अभी तो मिलते हैं आपको जल्दी।
कल हम सो थक गए थे सब, तो सो गए थे और शिव को पहली बार तो शिव को पहली बार ट्रेन दिखा रहे आज हम ट्रेन से इंट्रोड्यूस करवा रहे ऐसे होती है ट्रेन और सामने ट्रेन स्टेशन है तो ट्रेन भी निकल रही है से। वो बातें कर शिव को हमको बता रहे कि ये शिव को ऐसा मूविंग व्यू अच्छा लगता है। फिर नाश्ता करने जाएंगे थोड़ी देर में फ्रेश होके। ये क्या कर रहा है तू? वो बातें कर खुश हो गया। जो इस साइड से ट्रेन आती है ना वो फास्ट चलती है दूसरी साइड से, ये तो अभी यहाँ से स्टार्ट हुई है ना तो बहुत स्लो है। देखो भाई मुझे खींच के देखा यहाँ पास में ना एक बेबी रो रहा है। शिव बेबी कैसे रो रहा है? शिव तो बड़ा बच्चा हो गया, शिव नहीं रोता। बेबी कैसे रोता है शिव? शिव कुछ ट्राई कर रहा है खाने की और रामदेव को नाश्ता नहीं करना था तो हम लोग आ गए नाश्ता करने के लिए। रामदेव को अभी सुबह सुबह उठ के नाश्ता नहीं करना होता, सिर्फ चाय पीनी होती। क्या हुआ, हाथ तो बिगड़ेंगे ना सिर्फ। और एक दूसरी न्यूज़ ये है कि रामदेव हमारी थार छोड़ के आया है। आपने देखी है हमारी थार कि कैसे होती है और इसमें कुछ कुछ कस्टमाइजेशन होने वाला है, वो अभी रामदेव आएगा फिर हम आपको बताएंगे। ओके okay.